गोल लगातनी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बनी रोहित ओझा जी। पहले खबर के हेडलाइन सुनी। जमीनी विवाद के लेके बड़ भाई अपन छोट भाई और उनकर पत्नी के जान से मारे के कोइले कोशिश। सदर अस्पताल में चल रहल बा इलाज। अब खबर के विस्तार से सुनी। बक्सर के गोलंबर के समीप रहे वाला दिलीप वर्मा के बड़ भाई के द्वारा जमीनी विवाद के लेके उनका के और उनकर पत्नी कंचन देवी के जान से मार देवे के कोशिश कइल गई। जौना में दोनों पत्नी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। इनकर इलाज बक्सर के सदर अस्पताल में कइल जाता। घटना के संदर्भ में जानकारी के अनुसार दिलीप वर्मा घर में लाइट लगावत रहन, तबे उनकर बड़ भाई जमीन जायदाद खातिर दिलीप वर्मा के साथे अक्सर मारपीट करत रहन। वही जब आज शाम के घर पहुँचले तो उनकर बड़ बेटा के मारे पीटे शुरू कर दिले। जरा के देख के इनकर पत्नी कंचन देवी ओजा पहुँचली आ मारे पीटे के वजह पूछे लगली। उनका द्वारा पूछे जाए पे कि काहे मारे तनी, तब एक बाद कंचन देवी के भी जान से मारे के कोशिश कइल गई। आ गणासी से दिलीप वर्मा के बड़ भाई कंचन देवी पे वार कइले। ए वार में मरत मरत बचली। उनकर गर्दन के समीप गहरा चोट आ गिल बा। साथ ही साथ जब छुड़ावे खातिर दिलीप वर्मा पहुँचले उनका ऊपर भी गणासी के द्वारा वार कइल गई, जरा उनकर एगो अंगुली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक पश्चात उनकर भाई उ लोग के गलत जगह पे चोट लग गई बटुए गर्दन पे गणासी लग गई बा। एक बाद धमकी देवे लगल है कि तोर पूरा जमीन जायदाद के मालिक हम बनब। आनंद फानन में पड़ोसी ओजा पहुँचल मामला के शांत करे। साथे साथ पड़ोसी पति पत्नी के सदर अस्पताल में इलाज खातिर भर्ती करे जहाँ लोग के इलाज कइल जाता है। ओजे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रविशंकर श्रीवास्तव बतैनी कि दोनों पति पत्नी के गंभीर चोट आइल बा। ये लोग जान से मारे के कोशिश कइल बा। फिलहाल इनकर इलाज बक्सर के सदर अस्पताल में कइल जाता। जैसन आगे स्थिति हुई अगर सीरियस हुई तो ये लोग के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाए। बता दें कि जमीनी विवाद में एगो बड़ भाई छोट भाई को हमला कइलस। ये हमला इतना खतरनाक रहे कि संयोग रहे कि कंचन देवी जौन बाड़ी इनका गर्दन पर ना लगल। गर्दन पर लागल रही तो इनकर गर्दन उतर गई रही। साथ ही साथ ये व्यक्ति रो रो के अपन अंगुरी देखा रहा बटुए, अंगुरी कट गई बटुए, सर फट गई बटुए। तो बहुत ये लोग के बयान भी सुनब, लेकिन एक पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करब। कहे से कि भोजपुरिया समाचार देश न विदेश तक पहुँचा सब है, बहुत मेहनत हो रहा बा। क्या हुआ था आपके घर पे, क्यों आपके देवर ने आपको पीटा है? भैंसुर थे, देवर नहीं थे, भैंसुर थे। ये लड़का मेरा बड़ा वाला लड़का है ना, मेरे आदमी घर में एक रूम में बॉल टाक रहे थे समझे। तो ये मेरा लड़का ना घर बंद करने के लिए घर में गया, एक फैट इसको मार दिया। तो पीछे से हम गए, खाली बोले कुछ कि किस लिए मारा है, हमको बोलो, हमको तो कुछ बोलता है। तो कहा कुछ कि रुक रुक आ रहे हैं, एकदम गंदा गंदा गाली दे के कहता है कौन चीज का मार है। एक भाई एक सब गड़ासी डंटा सब बेटा बेटी सब मिल के माए मिल के आकर जब हम बोले कि मेरा गाल काट देते, कहा तू गलती जगह लग गई, तू गर्दन पर चढ़ना चाहिए था। आज तुम गरासी से मारा है, गरासी से उनको भी गरासी से मारा, हमको भी गरासी से मारा। देखिए कैसे मेरा अंगूठा कट गया है, गरासी से मारा, सीट पर दो जगह फट गया है। जान से मारने के क्या कोई विवाद था क्या आपके भाई से? जबरदस्ती कई बार घर में औरत ना बंद करके। कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 7 बजे के आसपास की, शाम को। हाँ, शाम के बाद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कंचन देवी। आपका नाम क्या पड़ेगा? दिलीप कुमार वर्मा। किसी बात का कोई पुरानी रंजिश तो नहीं था ना, जमीन जायदाद की बात थी? जमीन जायदाद के लेके अक्सर लड़ते रहते हैं, प्रॉपर्टी छीनने के लिए। कि हम जान बुझ करके उठा इल्जाम लगा करके मेरे लड़का को एक फाइट मार दिया, उसके लिए हम उल्हाना देने गए तो उसका उल्हाना भी नहीं सुन रहा है। बोले भी कि अगर कुछ किया तो हमसे आके बोलती, हम गणासी से
बड़े बड़े कटार से मार मार के मेरा गणासी गर्दन पे मारना चाहिए था। लग गया यहाँ मेरा मोबाइल भी ले लिया, उठाते हम मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल हाथ से छूटा, मेरा छाते भी आप गिर गया तो ले लिया है।